नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें मैंने टॉपिक चुना है मेरे किसान भाई को, जो शिक्षा से ग्रेजुएशन उनने करके रखा हुआ है, लेकिन वो उनने कहीं नौकरी की व्यवस्था या जुगाड़ नहीं की है, जिसको हम जुगाड़ बोलते हैं, या ये बोलिए कि उनने नौकरी करना चाहा ही नहीं। आज वो जो खेती करते हैं वो टोटली वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, और उसका मैं आपको रिजल्ट भी बताऊंगा इस अब मेरे इस वीडियो में आगे। और इसके अलावा अभी उनने कुछ सब्जियां लगाई हैं, कुछ फसलें और की हैं, वो पूरा के पूरा जानकारी मैं आपको रोटेशन वाइज दूंगा कि अभी इनने क्या कर रहे हैं, इसके पहले क्या किया था, और उसके बाद में अभी भविष्य में क्या करेंगे, उसकी प्लानिंग अभी से क्या चालू कर दी है, ये मैं आपको बताऊँगा। तो अभी मैं आपके साथ में उनके खेत में खड़ा हूँ। इसमें अभी करंट में जो उनने गोभी लगाई है, जो चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और गोभी का अभी अच्छा रेट मिल रहा है। इसमें उनने इस गोभी को नॉर्मल जो किसान करते हैं, गोभी के लिए बीज खरीद के लाते हैं, फिर उसके बाद दवाइयाँ, फिर पता नहीं क्या क्या और परेशानियाँ किसानों को झेलनी पड़ती है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि मैं एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि एक बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी नॉर्मल आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि अभी जो मैं आपको फसल दिखाऊंगा उसके टोटली बीज जो है वो उनने बीज नॉर्मल मार्केट में 25 से 30 हज़ार रुपये किलो मिलता है, गोभी का अच्छी गोभी जिसको बोलते हैं उसको। तो उनने बीज स्वयं तैयार किया, बीज स्वयं तैयार करने के बाद में उसको रोपड़ी तैयार की, उसके बाद रोपा, खेत में लगाया, और आज उसका रिजल्ट एकदम 100% जैसा अपन हाइब्रिड सीड खरीदते हैं, जो कि 30 से 40 हज़ार रुपये, 25 से 40 हज़ार रुपये किलो तक जाता है, जो कि उनने खुद उनके खेत में तैयार करके और इस चीज़ का उन्हें रोपा और उसका रिजल्ट पाया। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए इस तरफ में आप गोभी की फसल देख सकते हैं, देखिए आप इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और कुछ बातें और भी बताऊंगा जो कि इसमें उनने दवाई का और जो सब क्या ध्यान रखते हैं, मैं उनसे बात करूंगा, तो आप आगे सुनिए इस मैटर में। और इसके अलावा मैं जल्दी आपको उनसे बातचीत भी करवाऊंगा और उनसे कुछ जानकारियां भी हम लेंगे जो कि हमें फ़ायदा करेंगी। तो मैं आपको इस वीडियो में आगे लेके चलता हूँ, आप प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते रहिए, और यदि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी ऐसे ही वीडियो का एंजॉय करते रहिए, ठीक है, ओके। ये जो है, ये जो मेरे मित्र किसान हैं, काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं और खेती के काम में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। वो बोलते हैं कि नौकरी में इतना पैसा और इतना सुकून नहीं है जितना आप खेती करके, यदि आपके पास ज़मीन है तो खेती करके आप उससे ज़्यादा पैसा भी ले सकते हैं, आमदनी भी ले सकते हैं, और अपना सुकून रहता है, जब तक काम करना करिए, जब मर्जी हो घर जाके आप बैठ सकते हैं। तो ये उनकी थीम है, इसी थीम को उनने वैज्ञानिक तरीके से जो आगे बढ़ाया, मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए आप, ये कुछ फूल हैं जो अभी नया चालू होने के लिए हैं, बस जल्दी ये देखिए बिल्कुल बंधे हुए फूल हैं, काफ़ी उन्नत किस्म की इनने गोभी तैयार की है। ये देखिए आप, अभी इस गोभी की कटाई एक भी बार नहीं हुई है, तो आप देख सकते हैं इनने काफ़ी बड़े रकबे में ये लगाया है, दूर दूर तक मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने आपको दिखाया है। और इसके अलावा इनने अभी जो गोभी की एकदम नई जो वैरायटी मार्केट में और रेस्टोरेंट में काफ़ी फेमस चलती है, जिसका रेट भी बहुत हाई फाई मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपये से लेके 300 रुपये किलो तक उसका रेट जाता है, उसको हम ब्रोकली कहते हैं, जो हरे कलर की गोभी का ही एक रूप है, लेकिन काफ़ी टेस्टी उसकी सब्जी और सलाद में लोग उसको यूज़ करते हैं, तो उसका भी, उसके भी बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए आगे इस वीडियो में और अपन चल के और देखते हैं उनकी फसल क्या है। दोस्तों ये देखिए, ये गोभी की एक जो दूसरी नस्ल होती है जिसको हम ब्रोकली बोलते हैं, काफ़ी महंगा वो होता है, उनका एक छोटा सा लॉट उन्होंने, ये देखिए आप अलग ही जिसकी पत्तियां दिख रही है, एक ये करीब करीब 150 फीट लंबा उन्होंने लॉट लगाया है, और इसमें भी फूल बनना चालू हो गए हैं, ये देखिए मैं आपको पास से दिखाऊँगा, काफ़ी छोटे छोटे फूल हैं अभी, जो कि बस तैयार होने ही वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 दिन में ये गोभी मार्केट में बिकने के लिए तैयार है, 15 दिन में इसकी जो फसल है वो चालू हो जाएगी मार्केट में। तो इनने अपना जो मुख्य व्यवसाय है, इनने गोभी के अलावा पत्ता गोभी, ब्रोकली
और दूसरी जो सब्जियां होती हैं उनमें काफ़ी अच्छा है, इनकी पकड़ काफ़ी अच्छी पकड़ है, और काफ़ी दवाइयों के बारे में भी ये जानते हैं। ये देखिए, इसके अलावा ये पत्ता गोभी, अभी ये चालू होने में काफ़ी टाइम बाकी है, लेकिन ये ब्रोकली के बाजू में ये प्लॉट 100 फीट का इनने ये पत्ता गोभी का डाल दिया। तो ये नए नए क्या प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं वो करते रहते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन पाते हैं। नॉर्मल किसान जो हमेशा इस चीज़ को बोलता रहता है कि यार फसल का रेट कम हो गया, ये तो ये हमेशा बिना पॉली हाउस बिना ग्रीन हाउस के जो फसल उगाते हैं उसमें अच्छा रिस्पॉन्स भी, और कुछ बेटाइम भी जो बिना मौसम की फसल जिसको बोलते हैं वो भी आसानी से उगा लेते हैं। ये शायद इनका तजुर्बा कह लीजिए इसको, या इनकी जो शिक्षा है उसको आप बोल सकते हैं। इसके अलावा ये इसमें फूल जब आते हैं उसका परागण क्रिया और ये सब सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिससे आसानी से बहुत उन्नत किस्म का बीज बना लेते हैं। तो मैं आपको मिलवाऊंगा श्री भैरव सिंह जी से, जो हमारे साथ में हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। ये भैरव सिंह जी हैं, ये किसान हैं, लेकिन आप इनको यंग किसान बोल सकते हैं, इनकी एज अभी ज़्यादा नहीं है, इनकी एज अभी अप्रोक्सीमेटली 34 के आसपास है, लेकिन ये किसी भी बड़े किसान को उत्पादन की दृष्टि से यदि देखें तो हराने में सक्षम है। और मैं इनसे और भी बहुत सारी जानकारियाँ लूँगा, अब ये अपना जो आगे वीडियो रहेगा इसमें मैं आपको बहुत सारी इनसे जानकारियाँ, दवाई और फसलों में जिससे हमारे किसान भाइयों का और फ़ायदा हो सके उसके बारे में जानकारी लूँगा। तो अभी इनसे हम कोई इनका वक्तव्य नहीं ले रहे हैं, अभी सिर्फ इनकी फसल से जो जो अभी लगी हुई है वो दिखा पा रहा हूँ मैं आपको। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, इनके धान के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। तो दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं धान के बारे में उनसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप तो उसको देखेंगे सुनेंगे। ये श्री भैरव सिंह जी ने इस साल का धान का उत्पादन किया है, ये पूसा धान जिसको बोलते हैं पूसा बन, जो काफ़ी सेंटेड धान होती है जिसका चावल काफ़ी खुशबू वाला रहता है, और ये दो ढेर लगे हुए हैं, एक इधर और एक ये, और इसके अलावा ये पूरा ट्राली भर के खड़ा हुआ है। आप उन्हीं से पूछिए कि ये मिस्टर भैरव सिंह, ये धान कितने क्षेत्र में आपके लगी हुई थी खेत में? ये लगभग 1 एकड़ 75 डिसमिल के आसपास। मतलब भैरव सिंह जी बोल रहे हैं लगभग 1.25 एकड़ जिसको हम बोलते हैं, उतने एरिया में धान लगी हुई थी। इसका उत्पादन आपने लगभग कितना क्विंटल लिया? ये अनुमानित जो हमारा है वो लगभग लगभग 65 क्विंटल के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि 1.25 एकड़ में 65 क्विंटल, लगभग 35 क्विंटल, 35 से 38 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ का इनने उत्पादन किया है, जो कि थोड़ा हम इसको रिकॉर्ड बोल सकते हैं। एमपी में शायद ऐसा कोई किसान तो नहीं हुआ होगा जिसने इतना धान का उत्पादन लिया हो कि 1 एकड़ में 40 क्विंटल 38 क्विंटल वो धान निकाल ले, लेकिन भैरव सिंह ने ये कर दिखाया है। श्री भैरव सिंह जी काफ़ी सतत प्रयत्नशील रहते हैं अधिक से अधिक उत्पादन के लिए, और आप देख सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश लेवल में इस किसान ने, जिसकी एज अभी 34 साल है, तो 34 नहीं, इनने 38 क्विंटल के आसपास लगभग, इनने ज़्यादा ही होगा लेकिन 38 क्विंटल मैं बोलूँगा क्योंकि इतना रखा हुआ है, तो 38 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ का इनने उत्पादन किया है, वो भी धान का, और सेंटेड धान का, ना कि अपनी जो नॉर्मल देसी धान होती है उसका नहीं बोल रहा हूँ। तो ये इनने किसी भी जो बरसात में जो सोयाबीन या ऐसी कोई फसलें लगाते हैं किसान, उनके लिए ये एक सीख है कि सोयाबीन की फसल नॉर्मली जैसे पक्के खड़ी पक्के जब तैयार हो जाती तो पानी गिर जाता है, वो खेत में सड़ जाती है, या काट के जब किसान तैयार करता है तो पानी गिरने पे वो सड़ जाती है खेत में, सोयाबीन ख़राब हो जाता है, रेट नहीं मिलता, या इसके अलावा फल नहीं आते उसमें, इस टाइप की बहुत सारी परेशानियां किसान को सामने करना पड़ता है, किसान को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भैरव सिंह जी ने एकदम नया, यहाँ पे ये भोपाल ज़िले के खजूरी कला क्षेत्र में किसान है, जो मध्य प्रदेश में आता है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल ज़िले में खजूरी कला एक गाँव है, वहाँ पर क्षेत्र में इनकी खेती है, और यहाँ पे उनने ये जो उत्पादन किया है ये शायद मध्य प्रदेश में तो कहीं संभव नहीं हुआ होगा जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को देखते रहिए, और इस वीडियो में और भी बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको बताऊँगा उनके बारे में, कि वो कैसे सब्जियाँ जो होती हैं जैसे गोभी या और भी जो दूसरी सब्जियाँ हैं उनको कैसे सतत टाइम टू टाइम, एक ख़त्म हुआ दूसरा चालू, दूसरा कब चालू करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अभी इसी वीडियो में आगे। तो
भैरव सिंह जी, इसके अलावा मेरे को आपसे एक सवाल और करना है कि इस धान में जो आपने इसका उत्पादन किया है पूसा का, ये इसमें धान की पौधे की आपने लगभग ऊंचाई कितनी कर ली थी? ऊंचाई तो जो है लगभग 5.5 फीट, मतलब मेरे इतनी हाइट थी, मतलब सर खाली मतलब नॉर्मल धान की, भैरव सिंह जी बता रहे हैं कि नॉर्मल धान की जो हाइट होती है पौधे की वो 3.5 से 4 फीट जाती है, लेकिन इनकी धान का जो आकार है वो अप्रोक्सीमेटली 5.5 फीट या उससे ऊपर गया है। और उसके जो अपन बंच बोलते हैं, ऊंचा बोलते हैं, हाँ अपनी किसानी भाषा में जिसको गटा बोलते हैं, गटा बोलते हैं, तो वो करीब सभी में तो एक तरफा नहीं था, लेकिन कम से कम भी थे तो 40 थे और अधिकतम लगभग 130 उसके जो अपन गिनते थे एक जगह में, तो 130 तक अपने। तो भैरव सिंह जी ये बोल रहे हैं, शायद आप इनकी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, कि जो एक धान के बीज से जो पौधा निकलता है और बाद में पौधा बढ़ता है तब गटा बनाता है, गटा मतलब एक बंच बनता है पूरा, उस बंच में लगभग 38 से 30 तने थे जिसमें ऊपर बालियां लगती हैं, जो कि उत्पादन का शायद सबसे बड़ा स्रोत वही होता है कि एक बीज कितना बड़ा गटा या कितना बड़ा बंच बना रहा है जो बाद में उतनी बालियां देगा और उतनी फिर उसमें से उत्पादन अधिक निकलेगा। चलिए मैं आपको आगे उनकी जो दूसरी गोभी अभी जो उन्होंने स्टार्ट कर रहे हैं वो उसके बारे में बताऊं कि उनने एक जो अभी मैंने आपको बता के लाया कि वो एकदम बिक्री के लिए तैयार है, और जो ब्रोकली है वो 15 दिन बाद चालू हो जाएगी, और इसके अलावा उनने और भी फूल गोभी लगाई है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कितनी दिन बाद वो चालू होगी, और जो अभी ख़त्म होने पे आई है, जो बेच चुके हैं वो कितने दिन पहले से चला रहे थे, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप देखते रहिए मेरे इस वीडियो को। तो दोस्तों ये देखिए, ये भैरव सिंह ने मुझे बताया कि बीज बनाने की प्रक्रिया, यहाँ पे उनने कुछ गोभी के जो फूल हैं उनको छोड़ दिया है और इसमें वो आगे बीज बनाने की प्रक्रिया चालू करेंगे। इसमें आप इनका साइज़ देख सकते हैं, ये देखिए आप, काफ़ी बड़ी साइज़ है इन फूल की, ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 2.5 किलो के आसपास का एक फूल है, ये आप देखिए, सभी एक जैसी और सभी गोभी जितनी हैं ये सभी एक ही जैसी हैं बिल्कुल। आप ये देखिए, ये और ये देखिए, ये मैं आपको दूर से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये इनके पत्ते और वो काफ़ी बड़े हैं, ये फूल अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 किलो तक का एक फूल गया है। ये इनने एक पूरा लॉट छोड़ के रखा है कि खेत के किनार किनार जो इनने लगाई थी गोभियाँ, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा एक वो छोड़ के रखा हुआ है जिसमें ये बीज का निर्माण करेंगे अगले साल के लिए। तो दोस्तों मैं अभी उनसे पूछता हूँ कि इसमें वो आगे क्या प्रक्रिया करेंगे, वो हमें बताने के लिए एग्री हैं या नहीं कि इसमें कैसे वो बीज बनाएंगे, तो आप उन्हीं के मुँह से सुनिए। तो भैरव सिंह, इसमें आपने क्यों छोड़े ये पौधे? ये आगे इसका बीज जैसे आप बता रहे थे, हम इसका आगे बीज बनाएंगे और उसको एक विशेष ध्यान ये रखा जाता है कि किस्म में जो फूल का साइज हर एक जैसा हो, ना कि अलग अलग प्रकार के, क्योंकि कहीं भी देंगे, यदि मैं भी लगाता हूँ या किसी किसान को अपन ने दिया है तो लाभान्वित नहीं हो पाएगा यदि एक अच्छा या एक ख़राब निकला। तो कोशिश ये करते हैं सबसे पहले बीज बनाने में कि बहुत अच्छे और एक जैसा, जिसका एक जैसा रंग रूप हो वो ही रखते हैं। अब जैसे ये छोड़ दिए हैं, इनमें कुछ दिन जैसे आप आगे आके देख सकते हैं ये, क्योंकि अभी इनमें समय है, ये साफ है थोड़ा, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ ये देखिए, यहाँ से अब ये जो छितरने लगा है फूल हल्का हल्का, आप देख सकते हैं ये किनार से ये छितरने की कगार पे पहले है, यहाँ से ये बाहर, तो ये ऊंचा होकर जैसे सरसों का, जी 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 समझ रहा हूँ, ये किस्म सरसों, जैसे सरसों की उसमें ही प्रजाति में ये किस्म आती है गोभी भी, आगे जाके ये किस्म सरसों की। तो अभी इसमें मैं ये करूँगा, जब ये निकल जाएंगे तो बीच का जो पार्ट है इसका मेन, ये पार्ट नहीं निकल पाता, ये लेट होता है, फिर उसमें जब अपन सीड बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि इसका जो बनाते हैं वो ख़राब निकल जाता है, इसलिए इसको हम
किसी चाकू वगैरह से, सांप चीज से। तो ये चीज, एक मिनट भैरव सिंह जी, ये आप शायद सुन पा रहे होंगे, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप, शायद इस चीज को ना समझे। जो बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों को ठग रही है ऐसा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि 5000 रुपए किलो में अप्रोक्सीमेटली भैरव सिंह खुद भी अवेलेबल करवा रहे हैं, 5000-6000 रुपए किलो में, जो कि हम 20,000-30,000 रुपए किलो करीबन अपने को किसानों को जाता है, 38,000 रुपए या 40,000 तक भी बोल रहे हैं, 38,000 तक भी बोल रहे हैं, इतना बीज जाता है। तो इन लोग जो बीज कंपनियां हैं वो ये इसी बात का ध्यान रखती हैं, जो भैरव सिंह ने अभी नोटिस करवाया कि फूल का जो, मैं हिस्सा आपको बताऊंगा एक मिनट, फूल का ये वाले जो हिस्से हैं, ये किनार के जो हिस्से हैं जो बस ऊपर बढ़ने के लिए तैयार हैं, छितर गए हैं, लगभग छितरने को तैयार हैं, इन पे काफी अच्छे किस्म के बीज निकलेंगे। और ये सबसे आखिरी में, ये सेंटर वाला जो हिस्सा है बीज का, इसको हम क्या करते हैं, ये जब निकल जाता है जो रुकना है उसको हम चाकू से फिर आराम से ये काट के हम बाहर कर देते। तो भैरव सिंह ये बोल रहे हैं कि जो साइड के जो पूरे बड़े हो जाएंगे ये निकल के ऊपर बीज के लिए, तो बीज का हिस्सा बढ़ नहीं पाएगा, तो इसको चाकू से काट के ही अलग कर देंगे, करके और सूखी मिट्टी इसके ऊपर हम डाल देते हैं। हाँ, तो ये सूखी मिट्टी डालने से क्या मतलब है? नहीं, वो डालने से मतलब तो कुछ नहीं है, उस पे क्या है कि वो सड़े ना ताकि वहाँ से सड़न गलन या उस तरीके, अच्छा मतलब बीज का पौधा खराब ना हो, उस पे इन्फेक्शन ना हो, कुल मिला के कीटों का इन्फेक्शन ना हो मिट्टी की वजह से, फंजीसाइड मिला के उस मिट्टी में सूखी में, और सुखा के बढ़िया, और उसके ऊपर। तो कौन सा फंजीसाइड आप उसमें मिलाते हैं, आप बता पाएंगे क्या? जी हाँ बिल्कुल बता पाएंगे, अभी तो मैं जो है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन में जो मिलते हैं उसको मिला के मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। तो इससे बीज का हिस्सा सड़ने से बच जाता है, और बाकी आजू बाजू से काफी बीज मिल जाते हैं, सड़ने से फंगस आती है पूरा पौधा खत्म हो जाता है, तो वो ना हो उसके लिए अपन ये पहले से इसको ध्यान रखते हैं। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी है ये किसानों के लिए। और आगे मैं आपको इनका जो नया लॉट इनने अभी फिर से लगाया है, जो कि 2 महीने में फिर चालू हो जाएगा, तो वो बता दूं इनकी जो रोपणी इनने नई तैयार करके फिर से जो लगाए हैं पौधे रोपे हैं। चलिए आप बताइए वो पौधे जो अभी आपने लेटेस्ट लगाए हैं नए, ये तो ये जो गोभी दिख रही है ये तो लगभग खत्म हो गई है। हाँ तो ये खत्म हो गई है ये वाली गोभी, इनने अभी पिछले माह इसको काफी लाभ लिया है इनने, जब मार्केट में गोभी बहुत कम आ रही थी तब भैरव सिंह जी काफी लाभ ले चुके थे इस चीज से, और ये लोगों ने अब गोभी लगाई है और ये खत्म भी कर चुके हैं एक लॉट। इसका मतलब भैरव सिंह जी हर किसान से अप्रोक्सीमेटली 3 महीने पहले से काम में जुट जाते हैं, तो तभी इनको बेटाइम जो सब्जियाँ होती हैं उनका काफी फायदा मिलता है। और हमारे जो भैरव सिंह जी हैं ये अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 लाख रुपए की फसल आसानी से ले लेते हैं, इसमें उन्हें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, बस थोड़ा सा इनका जो नॉलेज है वो इन्हें फ़ायदा अधिक पहुंचाता है। तो मैं चाहता हूं कि हर एक किसान के पास ऐसा थोड़ा सा ज्ञान हो, थोड़ा सा नॉलेज हो दवाइयों का, जो उन्हें थोड़ा फ़ायदा करे, और हमारा देश का जो हर एक किसान है वो काफ़ी उन्नत समृद्ध हो, तो लोग खेती को भी अच्छा एक बिजनेस समझेंगे, जो कि नॉर्मल आजकल किसानों की जो दुर्दशा है उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। किसान, किसान मतलब क्या, किसान मतलब एक कमज़ोर इंसान मानते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना तो किसान भी कमज़ोर नहीं होता है, जिस हिसाब से हम भैरव सिंह और उनकी जानकारी के बारे में देख रहे हैं किसान काफ़ी अच्छा कमाता है। तो ये देखिए इनने नया लॉट जो तैयार किया है, ये पूरा अप्रोक्सीमेटली लगभग 1.5 एकड़ जगह होगी जिसमें इनने ये पूरा ये तैयार कर दिया है, नए पौधे इसमें डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी 3-3, 4-4 इंच के पौधे हैं, ये पूरा इनने 1.5 एकड़ पूरे एरिए में लगा दिए हैं। ये भैरव सिंह जी ये कितने दिन में, मतलब ये जो आपने लगाए हैं अभी, ये कब लगवाए हैं आपने? ये अभी 2 दिन पहले के लगा हुआ है। 2 दिन पहले इनने लगवाया है बोल रहे हैं भैरव सिंह जी। तो भैरव सिंह जी ये कब तक बिल्कुल मार्केट में इसमें से गोभी कब तक चालू हो जाएगी? ये 65 दिन में चालू हो जाती है, लगाने से 65 से 70 दिन के बीच में चालू हो जाती है, मार्केट बेचने के लिए फूल तैयार हो जाता है। तो मतलब भैरव सिंह जी बोल रहे हैं कि 2 से 2.5 महीने में ये मार्केट में उतर जाएगी बिकने के लिए, और इससे आपको रिजल्ट की उम्मीद है, अच्छी रिजल्ट की उम्मीद है? बिल्कुल है, बहुत अच्छे आएंगे और किसान, और जो जो मौसम और जो कीट, खासतौर पे जो कीट पतंगों की जो गोभी में सबसे ज्यादा भरमार होती है, जिसके कारण अधिकतर किसानों का 60-70% जो गोभी की फसल होती है वो कीटों के कारण, और जो दूसरे जो क्या बोलते हैं इनको, बैक्टीरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो गोभी के फूल को खराब करते हैं, उसमें इल्ली लग जाती है, तो इसकी वजह से उनको काफी फसल का नुकसान होता है। तो आप इस चीज से दुखी रहते हैं क्या कि इल्ली लग जाएगी? देखिए प्रकृति जो है
उस पे तो किसी का बस नहीं चला, खासकर किसान का, मतलब उसकी फसल है, अगर वहाँ से कुछ हो जाए तो अलग बात है। बाकी कीट प्रबंधन का ये है कि मैंने ये देखा है किसान, नॉर्मल मैं भी किसान ही हूँ हालांकि, कि वो कीट आने की वो करता है इंतजार। अच्छा अच्छा, मतलब कीट आ जाए फिर उसके बाद इलाज करेंगे, मतलब पहले बीमार हो जाए फिर इलाज करवाएं। तो मैं ये चीज नहीं, मैं पहले से ही उस चीज का ध्यान रखता हूँ, पहले से स्वस्थ बना, कौन सी बीमारी होने वाली है उसमें और किस कौन से कीट का अटैक होने वाला है फसल हाँ। पे तो आप उस चीज की रोकथाम पहले ही कर देते हैं पहले से। ये ग्रेट आइडिया है किसानों के लिए, बहुत अच्छा आइडिया है। क्या है, बहुत दवाइयाँ भी इतनी महंगी है कि उस समय फिर स्पेनोसेट जैसी दवाइयाँ किसान डालता है, काफ़ी ख़तरनाक दवाइयाँ भी, बहुत महंगी भी है किसान के लिए, लेकिन मैं वहाँ तक मैंने आज तक कभी वो दवाई यूज नहीं करी। दुकान वाले के पास भी जाता हूँ तो वो बोलते हैं भैया आप सब ले जाते हैं आप नहीं, मैंने कहा साहब हमारे यहाँ नहीं जरूरत। तो क्यों ये जो तेज, जो आप दवाई तेज बोल रहे हैं जैसे हाँ। जो भी आपने नाम लिया, मैं यहाँ पे नाम उसको डबल से नहीं दोहराऊंगा हाँ। इसलिए नहीं कि मुझे आता नहीं है, मुझे आता है, लेकिन इससे किसी कंपनी को हम नहीं हाँ, वो नहीं, बोलेंगे वो, कुल मिला के ये बोलूंगा मैं कि जो जो हाई कैपेसिटी की जो दवाइयाँ आती हैं जिन पे इंसानों को भी काफ़ी नुकसान होता है, तो इसमें भैरव सिंह जी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड डोजेज हैं उनका उपयोग भैरव सिंह जी नहीं करते हैं, और हल्के जो डोजेज हैं उन्हीं से भैरव सिंह जी थोड़े अलर्ट रह के पहले से ही उसकी रोकथाम कर देते हैं। और उसके साथ में मैं कुछ अपनी देसी पद्धतियों का, जैसे कि बहुत जानकारी तो किसानों को रहती है लेकिन कहना चाहिए आलस, हाथ की मेहनत उससे कतरा जाता है। मैं जो हमारे यहाँ दूध दही गांव में होता ही है, घर में होता ही है, तो मैं ये करता हूँ कि जो मठा जो बचता है, मही जिसको बोलते हैं मठा, जी जी, छाछ में नीम के पत्ते जो है उसमें डाल के और ज़मीन में दवा देता हूँ मटके में, और उसको करीब 1.5 महीने बाद निकाल के उसको भी अलग से स्प्रे उसका मैं करता हूँ, ताकि कड़वाहट और उसकी जो ये है कि कोई भी दवाई से अच्छा आप मही डालें तो वो काफ़ी बेटर। लेकिन भैरव सिंह जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जमीन में छाछ डालने से जमीन खराब होती है, उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। हाँ नहीं, तो अपन जमीन में छाछ नहीं डाल रहे हैं, हम तो स्प्रे के रूप में पौधे के ऊपर कीट ना लगे, कीट प्रबंधन के लिए। ओके, तो वो छाछ से कीट का क्या है, छाछ में तो ऑलरेडी फंगस लगती है बहुत। नहीं लगती है, लेकिन उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो इल्ली इसमें जो लगती है, गोभी में मेन लगती है माहू और इल्ली, दो ही चीज़ इसमें विशेष समस्याएं आती हैं जी। तो उसमें क्या, उसकी पाचन क्रिया को जो है बैक्टीरिया उसके अंदर जाके पाचन क्रिया उसकी खत्म कर देता है, मतलब उसको भूख लगती नहीं है और 3-4 दिन। तो आप सुनिए भैरव सिंह जी इतनी जानकारी वाली बात बता रहे हैं कि वो जो छाछ को महीने भर के लिए गड्ढे में डाल रखते हैं, मटके में रख के उसमें नीम की पत्तियाँ काफ़ी मिला के रखते हैं, और महीने भर बाद उसको पंप में लेके उसको छिड़क देते हैं उसके ऊपर। तो भैरव सिंह जी ये बोल रहे हैं कि उसमें कुछ कड़वाहट जो नीम की होती है वो मिल जाती है, और इसके अलावा छाछ में कुछ एक खास तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि नॉर्मल अभी तक मैंने तो नहीं सुना था और न किसी किसान को शायद पता होगा, लेकिन ये गुप्त जो बात है वो भैरव सिंह जी उजागर कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि छाछ में एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो खास तौर पर गोभी में जो इल्ली लगती है उसके डाइजेशन सिस्टम को खराब कर देती है, उसकी पाचन तंत्र जो होता है उसको खराब कर देता है। तो यदि गोभी के ऊपर इल्ली लगी भी है तो वो छाछ और नीम की पत्ती का जो रस रहता है उसका छिड़काव करने से जो इल्ली का पाचन तंत्र टोटली ख़त्म हो जाता है, तो अपने आप गोभी में जो इल्ली लगी हुई है वो अपने आप वो इल्ली उसका पाचन तंत्र खराब होने से वो मर जाएगी। एक और मैं और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये दवाई जो हाई डोजेज दवाई रहती है, कंसनट्रेट दवाई रहती हैं, इनसे लेने का कोई फिर मतलब नहीं बचता इस हिसाब से यदि भैरव सिंह जी देसी पद्धति में बताएंगे। नहीं, और क्या बता रहे थे भैरव सिंह जी आप, एक और का हम मिला के चलते एकदम से तो पूरा ऑर्गेनिक पे नहीं जा सकता जी जी, क्योंकि बरसों से करते आ रहे हरित क्रांति जो चलाई गई थी उसके तहत, तो अच्छा भी था पैदावार ज्यादा लेना, लेकिन आज उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं। और मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कीट पतंगे जो है उनकी जो प्रजनन की जो क्रिया होती है वो हमारे हिंदी गणित को आप देखें, अंग्रेजी का तो मैं नहीं कहूँगा कैलेंडर का, लेकिन हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अमावस और पूर्णिमा जो होती है जी जी। मैंने गोभी पर काफ़ी बार गौर किया है कि उसके पत्तों के पीछे एक अंडे रखते हैं वो एडल्ट जो इल्ली के होते हैं वो,
तो वो अमावस और पूर्णिमा के एक दो दिन बाद ही वो रखते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वहाँ उनकी जो अंडे देने की जो क्षमता है वो अमावस और पूर्णिमा के एक दो दिन बाद ही होती है। तो उस जगह हम ये करें कि कोई भी अंडानाशक जैसे दवाई आती है प्रोफोनोफास एक दवाई है जो अंडानाशक ही है, तो उसको हम अमावस या पूर्णिमा के 3 दिन या 4 दिन के बाद में यदि उसका स्प्रे हम यदि डाल दें। क्या बात है, तो इसका मतलब अंडे तो वहीं खत्म हो जाएंगे, इल्ली बनने का सवाल ही नहीं उठता है का, बिल्कुल। मतलब तो वो क्या बात है, मुझे बहुत कम दवाइयों की इसीलिए आवश्यकता पड़ती है कि मैं उस अंडा ही नहीं पनपने देते तो दवाई इल्लियों के लिए फिर दवाई की जरूरत क्या है। सही बात है, बिल्कुल एकदम सही है। कम दवाइयों में कम खर्च में मैं ये जो है कर लेता हूँ। जी जी, और इसके अलावा मैं भैरव सिंह जी से लगातार बात करता रहूँगा, तो मेरा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो प्लीज़ आप देखते रहिए मेरे वीडियो को और मैं जल्दी थोड़ी सी और जानकारी दूंगा, उसके बाद आपको अगले वीडियो के लिए बोलूँगा। लेकिन अभी इस वीडियो को तो मेरा ख़त्म ना माने, मैं जल्दी ही आपको कुछ जानकारियाँ और इस वीडियो में बताऊँगा जो कि भैरव सिंह जी मुझे देने के लिए तैयार हैं। हम थोड़ा छाया में चले जाएँ क्योंकि वो तो किसान है, उन्हें तो बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही, लेकिन मुझे काफ़ी धूप का एहसास हो रहा है, तो आप देखते रहिए मेरे इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा मैं बता रहा था, इनका कुछ एक नई फसल और इनने लगाई है आपके लिए, शायद ये नया होगा या सुनने में पहली बार होगा। ये अभी इनने इसको जो देख रहे हैं आप, इसको धनिया ना समझें, ये कलौंजी पे इस बार भैरव सिंह जी ने रिसर्च का हो लिया है कि कलौंजी का उत्पादन करके देखें। कलौंजी इनने एकदम बिल्कुल नई फसल जो कि अपने नॉर्मली किसान भाई नहीं लगाते हैं, वो इनने अभी पौध लगाई है, तो देखते हैं कब तक इसका रिजल्ट वो हमें दे पाते हैं। कलौंजी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, बस एक दवाई के बारे में जानता हूँ कि कलौंजी जो है वो नॉर्मली जो पक्की दाने होते हैं कलौंजी के, उसको तेल के साथ में गंजे लोग रब करते हैं जो जिनके बाल उड़ जाते हैं, तो वो उससे कुछ बाल उगने की संभावना रहती है, ऐसा पुराना हमारा जो आयुर्वेद है उसमें दिया हुआ है। मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बाकी भैरव सिंह जी ने क्यों लगाई है ये पूछते हैं उनसे ही। भैरव सिंह जी, क्यों आपने ये लगाई है ये कलौंजी? आपने मतलब एकदम नई फसल है, ये तो कोई लगाता ही नहीं है, तो आपने क्यों लगाई है ये हमारे समझ से बाहर है। नहीं, अब नॉर्मल अपने यहाँ नहीं है, प्रचलन में जहाँ लगती है आती है मार्केट में, ये खास कर इसको विशेष जो इस्तेमाल होती है ये मसालों में इस्तेमाल होती है। अच्छा अच्छा, हाँ, दवाइयों में मेडिसिन में तो जाती है, लेकिन खास जो इसका प्रचलन है वो मसालों में है, जो प्याज के जैसे हल्के हल्के बीज निकलते हैं, प्याज जी, के बीज के जैसे मैंने कलौंजी, वही कलौंजी होती है। अच्छा। मसाले में इसका, और इसका क्या है असल में भाव बहुत अच्छा मिलता है, मुझे अभी पता चला था, तो मैंने जो है फिर लगा के देखा कि देखते हैं कितना एरिया में कितना क्या निकलता है, कोशिश करेंगे अपन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने की। भाव बहुत अच्छा इसका मिलता है, अभी इस साल 16,000 से 18,000 रुपये प्रति क्विंटल इसका भाव था। क्या बात है, यदि 1 एकड़ में हम माने गेहूं का उत्पादन तो अधिकतम हम 22-25 क्विंटल या बहुत अच्छी मेहनत करें तो 30 क्विंटल निकालेंगे, तो 1500 के भाव में यदि जाते हैं तो 45,000-40,000 का हम उत्पादन, और उसमें 10,000 का खर्चा कम से कम 10,000 से 12,000 आ ही जाता प्रति एकड़ जी। और इसमें भी अब देखते हैं क्या खर्च लगते हैं, हमने तो पहली बार लगाई है, लेकिन यदि ये मैं ये कहता हूँ कि 4 क्विंटल भी निकल गई 1 एकड़ में, तो आप जोड़ सकते हैं कि 15×60 मतलब 60,000 रुपए की, और इसमें इतना खर्च नहीं लगेगा, खर्च नहीं लगेगा बस। जी जी, तो इसीलिए मैंने ट्राई करी। चलिए देखते हैं इसको कब तक ये उम्मीद है इसकी आने की। तो वही गेहूं के समय में ही इसकी। अच्छा, मतलब मार्च अप्रैल का आप बोल रहे हैं, तो चलिए फिर मैं मार्च अप्रैल में आपके वीडियो के लिए फिर से आऊंगा इस बात के लिए कि आपने कलौंजी का जो नया काम चालू किया है इसका आपने क्या उत्पादन लिया। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा जल्दी कि जो कलौंजी जो इनने नया एकदम वैरायटी जो मसाले की वैरायटी इनने उत्पादन के लिए इस साल डाली है, मैं आपको अगले वीडियो में बिल्कुल मैं आपसे वायदा करता हूं कि इनका क्या उत्पादन हुआ, क्या इनने प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ, तो भी मैं आपको वीडियो इनका बना के मैं आपको सेंड करूंगा। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैं अगले वीडियो में और इनसे चर्चा करूंगा और बीच बीच में आता रहूंगा इनके पास, और हमें इनसे काफ़ी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, तो देखते रहिए प्लीज़। और आपको यदि मेरा ये चैनल पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल रा पावर लिफ्टर के नाम से है, और मेरे चैनल के नाम पे ना जाएं क्योंकि मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ, इसलिए मेरे चैनल का नाम ये है। तो आज हम मिले एक थोड़े वैज्ञानिक किसान से जो कि खेती को पुश्तैनी
इस तरीके से करना पसंद नहीं करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और आप ये इनके खेत में देखिए, बहुत सारे ये खंभे गड़ा के रखे हुए हैं, इसका भी मेरे बहुत देर से सवाल चल रहा है मन में। तो ये काफ़ी रो में कतार में, ये देखिए बिल्कुल इतनी सीधी लाइन है में, ये तो देखिए आप यहाँ से देख पा रहा हूँ तो एक ही खंभा दिख रहा है, जबकि रियल में 10 से 15 है। तो ये इन्हें क्यों करके रखे, ये खंभे क्यों, आपने पोल क्यों लगा के रखे हैं ये, और बता दीजिए प्लीज़। ये जो अपने ग्रीन हाउस आजकल बन रहे हैं जी जी, तो उसके लिए मैंने इसको करवाया है। तो कुछ अभी मेरा मन नहीं था, अब गर्मियों में इसको तैयार करवाएंगे जब गेहूं की और ये कलौंजी वगैरह गोभी खत्म, ये फसल खत्म हो जाएगी उसके बाद, उसके बाद में इसको तैयार करवा के फिर इसमें मैं फूलों की खेती में भी जाना चाहूँगा, इसलिए मैं इसको फूल की खेती करना चाह रहा था। अच्छा, तो अच्छा। उसके लिए स्टैक मतलब उसका फाउंडेशन, हाँ स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये फाउंडेशन कंप्लीट है उसका अभी। तो ये तो बहुत ज़्यादा सीधे हैं, आप देखिए एक मिनट वीडियो में देखिए, इधर से एकदम सीधा है, तो आप इधर से तिरछे में देखेंगे तो भी सीधा है, हैं ऐसे में देखेंगे तो भी सीधा है, ये कैसे मतलब इतना, ये तो इंजीनियर टाइप का टेक्निकल स्ट्रक्चर आपने बना डाला। चलिए ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो में, और मैं आपसे बोलूँगा कि जल्दी मैं आपके साथ में आऊँगा। और प्लीज़ आपको यदि पसंद आए मेरा ये वीडियो, मेरा ये पूरा इंटरव्यू मिस्टर भैरव सिंह जी के साथ, तो आप मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, तो मैं आपको आगे ऐसे वीडियो के लिए अलर्ट करता रहूँगा। यदि आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे या सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरे चैनल का, तो शायद आप मेरे वीडियो से महरूम रहेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, तो फ़ायदा होगा उससे। बाय बाय।